हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड। और आज हम फिर से लेकर आए हैं शेरशाह वर्सेस भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इन दोनों को आप लोगों को बताएंगे कि अभी तक इन दोनों ने लाइफ टाइम कितना कलेक्शन किया है, 200 करोड़ के पार हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का अवार्ड हासिल कर चुकी है कि नहीं चुकी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा लगे तो कर देना लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी अपडेट लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले यार, शेरशाह मूवी की बात करें तो आप लोग को मालूम होगा कि 50 करोड़ मूवी का बजट रखा गया था और पहले ही दिन पर 14 करोड़ 10 लाख की कमाई की थी, जो काफ़ी बढ़िया थी और एक नंबर कमाई थी। और अगर फर्स्ट वीकेंड की बात करें तो फर्स्ट वीकेंड पर इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, तो लगभग 122 करोड़ 57 लाख की इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड पर कमाई करके अपने बजट को क्लियर कर दिया था, और बजट से भी ज्यादा कमाई की थी अपने पहले वीकेंड पर। अब अगर बात करें आज इस मूवी को 13वां दिन यानी 13 दिन इस मूवी को चल रहे हैं OTT पर, तो आज के दिन पर इस मूवी ने कितनी कमाई की तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो यार आज के दिन पर इस मूवी ने लगभग 9 करोड़ की कमाई की, जो काफी बढ़िया है। तो यार अगर पहले दिन से लेकर आज के दिन तक इस मूवी के टोटल कलेक्शन की बात करें तो लगभग 198 करोड़ 36 लाख की इस मूवी ने टोटल कमाई की है, जो काफी फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग कमाई है। और ये एक भैया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का अवार्ड है, तो मूवी हासिल कर ही लेती है। लेकिन साथ ही साथ आज ये प्रूव हो चुका है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये मूवी शेरशाह बन चुकी है। क्यों ना बन चुकी यार, आखिर इस मूवी की तारीफ इसलिए कर रहा हूं बार बार मैं, आखिर इस मूवी की हर कोई इसलिए तारीफ करता है क्योंकि ये मूवी बाकमाल एक नंबर रियल लगने वाली मूवी है। अब अगर बात करें भैया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की, वो 200 करोड़ तक पहुंच पाई है कि नहीं पाई और कितनी कमाई कर पाई है तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का लगभग 60 करोड़ बजट रखा गया। इस मूवी ने पहले ही दिन पर 26 करोड़ 51 लाख की कमाई की थी, जो माइंड ब्लोइंग थी यार। इस मूवी के अपने फर्स्ट वीकेंड की बात करें तो 142 करोड़ 38 लाख की इस मूवी ने कमाई की थी, जो लाजवाब थी। और अगर इस मूवी के आज के दिन यानी 12वें दिन की अगर बात करें तो इस मूवी ने 12वें दिन पर इस मूवी ने कितनी कमाई की तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो लगभग 8 करोड़ 80 लाख की इस मूवी ने अभी तक कमाई की है। और पहले दिन से लेकर 12वें दिन तक टोटल कलेक्शन की बात करें तो टोटल कलेक्शन भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ने कितनी की है तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो यार 186 करोड़ 24 लाख की इस मूवी ने कमाई की है, जो एक नंबर है। और ये मूवी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का अवार्ड हासिल करने वाली है। लेकिन कुछ टाइम भैया 2 दिन के बाद ये मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, तो फिर ये भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का अवार्ड हासिल कर लेगी। तो आज OTT का किंग रहा भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा और शेरशाह ने बाजी मार चुकी है। तो आप लोगों ने इन दोनों मूवीज को जरूर देखा होगा, तो आप लोग को कौन सी मूवी अच्छी लगी, क्योंकि आपकी राय का हमें काफी इंतजार रहता है। और तो कौन सी लगी आप लोग को सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर और कौन सी सबसे बड़ी फ्लॉप लगी, तो कमेंट में अपनी राय दी। तब तक दीजिए भाई को।